मैं विशाल साठे हेल्थ चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लता करंज के बारे में बात करेंगे। लता करंज एक बहुत ही कांटेदार बेल होती है। ये यूजुअली आपको सड़कों के किनारे मिल जाएगी या फिर जंगलों में। एक्चुअली आजकल ये थोड़ी सी दुर्लभ होने लगी है। आजकल ये शहरों में इनफैक्ट सड़कों के किनारे ज़्यादा मिलती है, या फिर ये बाड़ के रूप में काफ़ी बार इस्तेमाल की जाती है। जिस तरह से अड़ूसा यूज़ किया जाता है, या फिर पिया वासा यूज़ किया जाता है, या फिर मेहंदी यूज़ की जाती है, या फिर नागदोन यूज़ किया जाता है, उस प्रकार में लता करंज को पूरे बेल में ही कांटे होते हैं, हर कहीं कांटे होते हैं। उसका अगर तना देखें तो पूरे तने में कांटे होते हैं, उसके इनफैक्ट पत्तों में भी कांटे होते हैं, फलों में कांटे होते हैं। वो पूरा का पूरा कांटों से भरा हुआ होता है, सिर्फ फूलों में कांटे नहीं होते हैं उसके। ये लता करंज का फल है, इसके खोल में इसके बीज होते हैं। किसी किसी में एक बीज निकलती है, किसी किसी में दो निकलते हैं। ये काफ़ी बड़ी बीज है तो इसमें एक ही है। ये थोड़ा सा कच्चा है, इसको तोड़ने पर काफ़ी जंगली वनस्पति जैसा स्मेल आया। ये छह जोड़ियां हैं पत्तों की। ये एक पत्तों की जोड़ी है, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच और ये छह। पूरा ये देखें तो एक पत्ते की तरह नज़र आएगा। इसमें छह जोड़ियां हैं, ज़्यादा या कम भी हो सकती है, लेकिन ये एक अपने आप में एक ग्रुप में एक पत्ते के शक्ल में है। इसके पत्तों को आप अगर देखें तो इसके नोक में भी कांटा है, छोटा सा हल्का सा कांटा है पत्तों के नोक में। इसके पत्ते काफ़ी कड़ी पत्ता जैसे नज़र आते हैं। उल्टा करके अगर दिखाऊं तो इसके पत्तों में भी कांटे हैं। ये देखिए, आपको कांटे नज़र आएंगे। ये देखिए, इस डंडी में भी कांटे हैं। इसके पत्ते खाए भी जाते हैं। थोड़ा सा कसेला स्वाद है, कड़वा तो नहीं है, ठीक ठाक ही है। ये लता करंज के फूल है। लता करंज में गंधक होता है, यानी कि सल्फर, इसलिए इसके फूल येलो रंग के होते हैं। अगर आप लता करंज के बेल को ध्यान से देखें तो इसके पूरे ही बेल में आपको येलो रंग नज़र आएगा। अब इसका स्वभाव हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो लता करंज आयुर्वेद की दृष्टि से अगर हम देखें तो लता करंज उष्णवीर्य होता है, यानी कि ये आपका जो पित्त है उसको बढ़ाएगा, लेकिन ये कफ को और वात को कम करेगा। लता करंज टेस्ट में कड़वा होता है, और लता करंज खास करके शरीर में कहीं पे अगर सूजन है तो वो कम करने के लिए जाना जाता है, और स्पेशली शरीर में अगर कोई फ्लूइड जमा हो गया है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो कहीं पे रक्त जम गया हो, उसको सुखाने के लिए या उसको निकालने के लिए ये खास करके इसका उपयोग किया जाता है। अब हम लता करंज के बेनिफिट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो ऊपर से शुरुआत करते हैं। लता करंज स्किन डिसीजेज़ में बहुत ही कारगर है। ये हर टाइप के स्किन डिसीजेज़ ठीक करता है। अगर आपको सफ़ेद दाग हो गए स्किन में, या फिर से आपको स्किन में खाज खुजली हो गई है, या फिर किसी किसी को लाल धब्बे पड़ जाते हैं स्किन में, या फिर अगर आपको फोड़े फुंसियाँ हैं, या फिर आपको स्किन में गांठें पड़ गई हैं, ये हर तरह के स्किन डिसीजेज़ ठीक करता है। इसमें अगर लता करंज के बीजों का तेल अगर एक्सटर्नली लगाया जाए तो
तो भी बहुत लाभ होता है, या फिर इसके बीजों का तेल इंटरनली भी लिया जाता है, या फिर इसके बीजों का चूर्ण अगर सेवन किया जाए तो भी सारे हर तरह के स्किन डिसीजेस ठीक होते हैं। और नीचे आते हैं, अगर आपको गले को लेकर के परेशानी है, गला ख़राब है आपका, या फिर अगर आपको लंग्स में इन्फेक्शन है, आपको अगर कफ हो गया है, तो इसमें भी लता करंज बहुत काम का है। जैसे कि मैंने पहले इसका स्वभाव समझाया, लता करंज उष्ण वीर्य है, वो गर्म होता है। तो अगर इसमें अगर लता करंज के बीजों की अगर माला बनाई जाए और वो अगर पहन ली जाए तो गला ठीक हो जाता है। या फिर अगर आपको लंग्स में कफ है, गला भी ख़राब है, ऐसे में अगर आप इसके बीजों का चूर्ण भी अगर सेवन करते हैं, या फिर इसके बीजों के तेल का सेवन करते हैं, तो ये सारे प्रॉब्लम्स दूर होते हैं। लता करंज पेट के हर किस्म के प्रॉब्लम्स दूर करता है। फिर वो चाहे आपको संग्रहणी हो गया हो, जिसमें कि खाना खाने के बाद आपको बार बार शौच जाना पड़ता है, पेट भी गड़बड़ रहता है, पेट में अजीब अजीब सिम्टम्स होते हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कभी आपको दस्त लगते हैं, कभी आपको गैस हो जाता है, पता नहीं लगता है कि क्या प्रॉब्लम है, जिसको IBS कहते हैं, इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम, ये वो भी ठीक करता है। अगर आपको पेट में जलोदर हो गया है, पानी आपको पेट में जम गया है, तो ये पानी को भी सुखा देता है, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। अगर आपको पेट में कीड़े हो गए हैं, तो ये वो भी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। अगर आपको इंटेस्टाइन में पेचिस हो गया है, जो इंटेस्टाइन में जो वॉर्म्स हो जाते हैं वो अगर हो गया है, तो वो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। अगर आपको दस्त का प्रॉब्लम है, इसमें भी ये रामबाण है। अगर आपको पेट में अल्सर है, तो इसके सेवन से अल्सर भी ठीक होता है। अगर आपको पेट में मरोड़ें आ रही हैं, यानी कि इंटेस्टाइन के संकोचन में अगर कोई एबनॉर्मलिटी है और उसके कारण अगर आपका पेट दर्द कर रहा है, ये सारे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स, हर किस्म के पेट के प्रॉब्लम्स लता करंज ठीक करता है। लता करंज किडनी के प्रॉब्लम्स में भी बहुत कारगर है, स्पेशली किडनी स्टोन में अगर लता करंज के बीजों का अगर चूर्ण लिया जाए तो किडनी का जो स्टोन होता है वो गल करके निकल जाता है। लता करंज इनफैक्ट गॉल ब्लैडर के स्टोन में भी बहुत कारगर है। अगर गॉल ब्लैडर का स्टोन है आपको, इसमें भी अगर इसके बीजों का चूर्ण अगर लिया जाए, तो ये गॉल ब्लैडर के स्टोन को भी गला करके निकाल देता है। किडनी के स्टोन को निकालना इजी होता है, गॉल ब्लैडर का स्टोन इतना आसानी से नहीं निकलता है। अगर गॉल ब्लैडर का स्टोन हो, तो सर्जरी ही एक उपाय होती है यूजुअली। इसलिए लता करंज आप समझ सकते हो कितना इम्पॉर्टेंट है। ऐसा कहते हैं कि जो जैसा होता है उसका स्वभाव वैसा होता है, तो इस केस में लता करंज की अगर पत्तियों का सेवन किया जाए, या इसके बीजों का चूर्ण भी है, वो कड़वा होता है, तो बहुत लॉजिकल है कि ये डायबिटीज़ में भी बहुत कारगर है। तो अगर आप मधुमेह के रोगी हो और आप अगर इसके पत्तियों का सेवन करते हैं, या फिर इसके बीजों के चूर्ण का सेवन करते हैं, तो डायबिटीज़ ठीक हो जाता है। लता करंज बवासीर में भी बहुत काम का है, बवासीर में ये अत्यंत लाभकारी है। इसमें इसका दो तरीके से उपयोग किया जाता है। बवासीर में एक्सटर्नली इसके पत्तों का पोल्टिस बना करके लगाया जाता है, तो इससे मस्से झड़ जाते हैं, और इंटरनली भी इसके पत्तों का सेवन किया जाता है, या फिर इसके बीजों के चूर्ण का सेवन किया जाता है, या फिर आप इसके बीजों को पानी में उबाल करके और उसका काढ़ा भी पी सकते हो। तो ये इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हो, या फिर इसके बीजों का तेल का भी अगर आप सेवन करते हो, तो उससे भी बवासीर शत प्रतिशत ठीक होता है। जैसे कि मैंने इसके स्वभाव में बताया था कि लता करंज वात का शमन करता है और ये उष्ण वीर्य होता है, तो ये जोड़ों के दर्द में, अर्थराइटिस में, शाइटिका पेन में, ये सारे प्रॉब्लम्स में, या फिर आप अगर आपको कहीं पे दर्द है घुटनों में, हाथों में, तो ये
इन सारे तकलीफ़ों में भी बड़े काम का है। इसमें भी आप इसके पत्तों का पोल्टीस बना करके वहाँ पे लगा सकते हो और पट्टी बांध देते हो अगर, तो दर्द ख़त्म हो जाता है, सूजन ख़त्म हो जाती है। या फिर अगर आप इसका इंटरनली बीजों का सेवन करते हैं, पत्तों का सेवन करते हैं, बीजों के अगर तेल का सेवन करते हैं, तो इससे भी ये सारे जो वात रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो 100% ठीक हो जाते हैं। दर्द भी ख़त्म हो जाता है और सूजन भी गायब हो जाती है। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, जो जैसा दिखता है, जैसा जाना जाता है, वो वैसा होता है। तो लता करंज को इंग्लिश में फीवर नट कहा जाता है और ये यकीनन बुखार में बहुत ही काम का है। अगर आपको बुखार है तो अगर इसमें लता करंज के बीजों का चूर्ण अगर लिया जाए तो बुखार तुरंत कम हो जाता है। लता करंज इसके लिए खास जाना जाता है। ये ऐसा लगता है जैसे मानो कि किसी पुरुष के ये सेक्सुअल ऑर्गन की थैली है और उसमें से ये उसके अंडकोश निकले हैं। फिर से वही रिपीट कर रहा हूँ कि जो जैसा दिखता है वैसा वो होता है। तो लता करंज के जो बीज होते हैं वो पुरुषों के अंडकोश जैसे नज़र आते हैं और उसकी जो फल का जो कवर होता है उसका, वो मेल अंडकोश के थैली जैसे नज़र आती हैं। तो ये खास करके हाइड्रोसिल में बड़े काम का है। तो अगर आपने बहुत ज़्यादा वेट ट्रेनिंग गलत ढंग से कर लिया है और आपके अगर अंडकोश खिंच गए हैं और अगर उनमें पानी भर गया है, तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें लता करंज के पत्तों को लेना है और उसका उनको थोड़ा सा गर्म करके और उसकी चटनी जैसे बनानी है और उसको वहाँ पे लगा देना है। सुबह लगाना है और शाम को निकाल देना है और शाम को नए पत्ते फिर से गर्म करके पोल्टीज बना करके वापस वहाँ रख देने हैं और सुबह वापस उनको हटा देना है। अगर इस तरह से आप 15 दिन तक ये करते हो तो हाइड्रोसिल जड़ मूल से ख़त्म हो जाता है। लता करंज के बीजों का चूर्ण अगर लिया जाए तो उससे काम शक्ति भी बढ़ती है और सेक्स करने की कैपेसिटी भी बढ़ती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस सब्सक्रिप्शन बटन को दबाइए, साथ में बेल आइकन को भी दबा करके एक्टिवेट कर लीजिए। और अगर आप मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो मैं ये नंबर मेरा यहाँ पे फ्लैश कर रहा हूँ, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज द्वारा मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जैसे कि मैं हमेशा याद दिलाता हूँ, इस नंबर पर मुझे कृपया फ़ोन मत कीजिएगा। और अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग विषय के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। बाय।